केंद्र सरकार के द्वारा लाए जाने वाले किसान बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने शुक्रवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विनय कुमार शुक्ल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाला बिल पूरी तरह किसान विरोधी है और किसान यूनियन केंद्र सरकार से बिल को रद्द करने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो यूनियन वृहद आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ला ने कहा, ठीक है, तो आपकी बातें पहुंच चुकी है, पर्याप्त मीडिया कवरेज हो चुका है, यहाँ से बाहर जाने में लॉ एंड सिचुएशन हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, मेरी बात पर खत्म कर दीजिए। हम तरीके से सड़क पे चलेंगे, आप से मौजूद भी हैं, ज्ञापन ले लीजिए, खत्म करेंगे। सड़क की बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर सम्मान नहीं दे दिया, सर सम्मान यहाँ दीजिए, आराम से दीजिए, आपकी बातें पहुँच चुकी है, को दबाया जा रहा है। हम हूँ किसान नहीं है, आप किसान होते तो आपको किसान ले लेता हूँ रोड पर। वो किसान इसी के बात कह रहे हैं कि आपकी बात पहुंच चुकी है, आप बात समझिए, आपकी बात, आप किसानों के हिमायती हैं, आपके बारे में मुझे पता है, लेकिन हम लोगों को कम से कम रोड पर जाने की बात, रोड पर नहीं, हम जाम नहीं करेंगे वहाँ, लेकिन आप जेल भेजिए, मैं तैयार हूँ, बताइए नहीं भेजेंगे, ये बताइए आप हमको भेज दीजिए, हमारे मैं वहाँ जूँ, आप हमारे बीच सिटी साहब, आपका मैं सबसे बड़ा सुचिंतक हूँ, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ लेकिन आपकी पर्याप्त जो है मीडिया के माध्यम से इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, कई लोग और बुला लिए गए कि आपकी बात पहुँचा दी गई है, साहब हमारी बात ये करने, देखिए आप पे पार्टी तो है नहीं, आप पे पार्टी नहीं, बात पार्टी तो है नहीं, एकदम पार्टी भी समय सपा का धरना हुआ था, अभी कांग्रेस का हुआ, वो भी बात माने क्योंकि कोरोना की समय महामारी चल रही है, इस समय नॉर्मल चीजें नहीं चल रही है, मेरी एक बात मानेंगे, अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जय जवान जय किसान। बस कुछ नहीं, जबरदस्ती रोक रहे हैं, आप जो कह सकते उनको संबोधित ज्ञापन है, इस ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग हम लोगों की ये है कि ऐसी क्या समस्या थी कि जो अध्यादेश लाया गया है, आप जो अगर किसान नेताओं से, किसानों के प्रभारियों से आप बात करते तो वो बताते कि इस कानून में क्या खामियां हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो लोग आप लोग हैं कोई किसान नहीं है, किसके घर खेती बाड़ी नहीं है, सारे लोग प्रभावित हैं, बशर्ते आप लोग सरकार में हैं, मजबूर हैं, हम लोग अपनी बात कहने के लिए आपके पास आते हैं, आज एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, उम्मीद है कि यथाशीघ्र एक ज्ञापन माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचेगा। सभी लोग यहाँ आए, आप सभी लोगों को धन्यवाद। विनय शुक्ला, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गोरखपुर। आज हम लोगों का भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेश टिकैत जी के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में एक साथ चक्का जाम का आंदोलन है, जिसके तहत हम लोग आज इस नगर निगम पार्क गोरखपुर में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से पुलिस प्रशासन के सख्त रवैये के नाते, किसानों की आवाज़ को दबाने के नाते घेराबंदी करके यही नगर निगम पार्क में ही रोक दिया गया, हम लोगों को सड़कों पे जाने नहीं दिया गया। हम आज गोरखपुर के सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव जी को, माननीय नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। हमारी मांगे है कि जो किसानों की MSP है, जो गेहूं और धान बाकी अन्य अनाजों की MSP निर्धारित की जाती है केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा, उससे नीचे की खरीद किसी भी हर हाल में न किया जाए, इसके लिए हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को संबोधित ज्ञापन दिए हैं।